यूं तो सरकार लाख दावे कर ले कि हर अंतिम व्यक्ति तक उनकी योजनाएं पहुंच रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि या फिर कहे तो कहीं ना कहीं खामी के कारण उनकी यह मंशा पूरी नहीं होती दिख रही है और हर व्यक्ति को वो मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच रही है। इसका जीता जागता नज़ारा हम आपको रांची से महज कुछ ही दूरी पे कांके प्रखंड पंचायत के ऊपरी कोनिका के उदला बेड़ा में दिखा रहे हैं। जब हमारे रिपोर्टर ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि यहाँ सुखदेव हांसदा अपने पूरे परिवार के साथ कई वर्षों से रह रहे हैं और इन्हें कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, चाहे वह पीएम आवास हो या हर घर जल नल योजना। खाना बनाने के लिए उज्ज्वला तो मिला है, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि टंकी को दोबारा भरवाएं और जंगल में आज भी खाना बदोश की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। मान लीजिए कैसे रह रहा है, जानवर भी आते होंगे इस जंगल में, आप इनसे पूछते हैं जो रह रहे हैं इनका क्या नाम है, आपका क्या नाम है? सुखदेव हंस। और सुखदेव हंस, और इस जगह का क्या नाम है? मुरेठा उदाल बेड़ा। और तो आप जो हैं मतलब इस तरह से झोपड़ी में रह रहे हैं, तो आप कभी इंदिरा आवास के लिए पहल किए? इंदिरा आवास के लिए कई एक बार लोगों से बोले तो भी आपका बीपीएल वगैरह ये सब पूछे लगता है, तो हम लोग कहाँ से बीपीएल वगैरह है, लाल कार्ड वगैरह तो है ये सब, लेकिन किन्हीं का काम तक कुछ नहीं हो पाता है। अच्छा, तो आप जो है कितने आपके बच्चे हैं, आप लोग का परिवार है? हम लोग हमारे बच्चे हैं, चार बच्चे, तीन लड़कियां और एक लड़कियां, हमारी माता है और हमारी वाइफ, मोटा मोटी हमारे सात परिवार के हैं लोग। अच्छा, सात परिवार हैं, इसी में रहते हैं ये झोपड़ी बना के। और इस झोपड़ी के अलावे भी कहीं मकान है आपका क्या? ओ, हम लोग का मकान वगैरह था, वहाँ पानी का भी बहुत दिक्कत है, गर्मी के मौसम हमको 1 किलोमीटर से ज़्यादा हमको पहाड़ से चढ़ करके ले जाना पड़ता था, इसलिए हम लोग उस जगह को छोड़ कर उन्होंने जगह में बसे हैं। यहाँ थोड़ा सा पानी का सुविधा हो जाता है। पानी किस तरह का सुविधा है, पानी कहाँ से पीते हैं? पानी हम लोग ये नदी का पानी पीते हैं, ये नदी का पानी जो है इन्होंने आज तक नदी का पानी पी रहे हैं। और आप देखेंगे इस नदी का जो हल्का फुल्का जो पानी चल रहा है वही पानी से इसको ये लोग छान के उसके बाद में पीते हैं। जिंदगी तो बचाना है, जीव बचाना है। और आप थोड़ा सा दिखला दीजिए इनका घर जो है किस तरह से रह रहे हैं, है ना? किचन रूम है ये, और यही किचन रूम है इनका, सुखदेव जी का। कहिए आपका क्या नाम है? जामदी। ओ सुखदेव जामदी। अच्छा, सुखदेव का वाइफ है? हाँ। ओ, तो यही आपका किचन है? हाँ, यही। अच्छा अच्छा, तो आप लोग इसमें जो बनाते हैं तो क्या चीज से बनाते हैं? पत्ता से। मतलब गैस उस मिला है कि नहीं? गैस तो मिला है। हाँ। तो पैसा नहीं है। ओ, उतना पैसा नहीं हो पाता है? हाँ। नहीं, गैस भराने भर। हाँ। ओ, तो क्या काम करते हैं? लकड़ी। अच्छा, लकड़ी सूखा हुआ लकड़ी ले जाते हैं। अच्छा, उधर शहर तरफ? हाँ, शहर तरफ। ओ, यही आपका ये है ना? हाँ। और दूसरे तरफ कैसा है जो जहाँ पर आप लोग रहते हैं, आप थोड़ा बतलाइए। अच्छा, यही रहने का है? हाँ, इसी में आप पूरे परिवार रहते हैं, है ना? और यही प्लास्टिक में अपना जो खाने पीने का सामान रखे हुए हैं, आप देख लीजिए प्लास्टिक में खाने पीने का सामान रखे हुए हैं। और इधर देखिए ये जो है इधर कपड़ा रखे हुए हैं। और कोई गेस्ट अगर आ जाते हैं तो यहाँ रखते होंगे क्या? हाँ, यहाँ रखते गेस्ट वगैरह। अच्छा, दिखला जी थोड़ा जी। झारखंड सरकार की बात करें तो
आदिवासियों के लिए हर योजना और कर गुजरने के लिए आतुर है, लेकिन इस तरह के जब परिवारों से हम मिलते हैं तो दिल दहल जाता है। 7 सदस्यों का यह परिवार सारे मूलभूत सुविधाओं से दूर जंगलों में बसर कर रहा है, तो यहाँ पे किसकी गलती है यह आप ही बताएं। यहाँ सरकार, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, वीडियो मुखिया और कहें तो समाज से भी किसी की नज़र नहीं गई। और जब हमारे संवाददाता ने यहाँ पड़ताल की तो यह जो बच्चा देख रहे हैं इसको देखिए कि पूरे तन को ढकने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। और कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे भी यह परिवार वंचित है। अब देखना यह है कि क्या सरकार या जनप्रतिनिधि की नज़र इन पे जाती है। तो सुखदेव जी, आप क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? कुली कबाड़ी का काम करते हैं, कभी कभी लकड़ी बेचते हैं। अच्छा अच्छा, तो वही सब काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आप जो है इंदिरा आवास के लिए अपनी जो ग्राम सभा होता है, तो ग्राम सभा में आप कभी मतलब वहाँ पर रखे अपना बात को? बात समस्या को कभी रखे भी, कभी नहीं रखे। हम देखते हैं कि हमारे पास पैसा कौड़ी, कभी कभी देखा जाता है कि लोग पैसा मांगता बोलता है आवास को पास करने के लिए। उतना पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा जो हम उतना पैसा दे करके हम आवास को पास करवा सकते हैं? ओहो, मतलब उसमें पैसा का डिमांड करता है ना? तो इसीलिए ले नहीं पा रहे हैं। और हमारे पास जो मान लीजिए सरकारी या देखा जाता है कि सरकारी जो फंड है उस फंड में से पूरा भी नहीं हो पाता जो मकान बनाने के लिए। तो हमारे पास तो इसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर हम किसी का अगर दे देता है तो हम कैसे अपना मकान को पूरा कर पाएंगे? अच्छा ये बताइए सुखदेव जी, जैसे रात में आप लोग रहते हैं, बीच जंगल में आपका घर है, तो आपको डर नहीं लगता है इस झोपड़ी में कि कभी मान लीजिए कि जानवर हमला कर रहे हैं कुछ इस तरह का? देखिए डर तो लगता है, लेकिन क्या कीजिएगा, जिंदगी है, किसी तरह जीवन बसर करना है। डर लगने से भी आदमी क्या कर सकता है। सही बात, ठीक है। आपका क्या नाम है बाबू? अच्छा, तो ये सुखदेव जी का लड़का है। पढ़ाई वढ़ाई होता है कि नहीं? होता है। कौन स्कूल जाते हैं? सरकारी स्कूल खतरिया बेड़ा। और तो आज नहीं गए? आज नहीं, छुट्टी है क्या? नहीं। आपका बाबू? अच्छा, पढ़ने जाते हैं कि? जाता है। इधर देखो, इधर यह जो मकान देख रहे हैं यह केवल राजधानी रांची के सटे हुए एरिया में है। और यह अपने आप में एक सवाल है कि मूलभूत सुविधाओं से दूर यह परिवार कैसे अपने जीवन बसर कर रहे हैं। 7 सदस्यों का यह परिवार पूरे क्षेत्र के लिए कौतूहल का विषय है कि इतने बड़े सदस्यों का यह परिवार इस तरह के झोपड़ी नुमा, प्लास्टिक नुमा घर में रहने को मजबूर है और अभी तक किसी भी सरकारी तंत्र या समाज से भी या जनप्रतिनिधि की नज़र इस पे नहीं पड़ी है। आपको यह भी बताते चले कि जब हमारे संवाददाता ने इनसे जानकारी ली कि घर क्यों नहीं बनवा रहे हैं या पीएम आवास के लिए आवेदन क्यों नहीं दे रहे, तो चलते चलते इन्होंने जो कहा वह सुनकर भी लगेगा कि भ्रष्टाचार कितने चरम पे है। इन्होंने कहा कि आवास को पास करवाने के लिए भी पैसा मांगा जाता है जो हमारे पास नहीं है, और यह पैसा हम कहां से लोगों को देंगे। तो इसके लिए आपको यह भी बताते चले कि इस तरह की जब बातें आती है तो गरीब की वहीं पे कोई भी चाहत मर जाती है। और यह विडंबना राजधानी रांची के करीब है जो आपको यह बतलाने के लिए कि भ्रष्टाचार किस चरम पे है। अब यह सवाल उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है, सरकार या सांसद, विधायक,
ब्लॉक स्तर के अधिकारी या फिर इनकी पहुंच वहां तक नहीं पहुंच पाती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। अगर सरकार नहीं चेती तो लोगों को जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि हमने सारी मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंचाया है, यह यहां पे धराशायी दिख रहा है। और इस तरह के जंगल में लोग रहने को मजबूर हैं, और झारखंड के लोग कहते हैं कि हम जल जंगल बचाने वाले नेता को ही अपना बहुमूल्य वोट देते हैं, और वही जब चुनाव हो जाते हैं तो हमें देखने भी नहीं आते हैं। हमार झारखंड न्यूज़ के लिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कांके से।